हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में, और इसमें हम देखेंगे डिजिटल रीड फंक्शन और डिजिटल राइट फंक्शन के बारे में। तो ये दो फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजिटल रीड फंक्शन के बारे में। अगर ऑर्डिनो की डिजिटल पिन पर कोई इनपुट आया है तो उस इनपुट को रीड करने के लिए डिजिटल रीड फंक्शन का यूज़ होता है। तो डिजिटल रीड फंक्शन की हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि उस ऑर्डिनो की पिन पर हाई इनपुट आया है या फिर लो इनपुट आया है। इसका सिंटेक्स रहता है डिजिटल रीड। आपको याद रखना पड़ेगा कि डिजिटल रीड में जो आर है, ये आर हमेशा कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये इसका कीवर्ड है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको आर को हमेशा कैपिटल रखना पड़ेगा। और डिजिटल रीड के अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा, और ये आर्ग्यूमेंट रहता है पिन नंबर, कि आप कौन से पिन का इनपुट चेक करना चाहते हो उस पिन का नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा डिजिटल रीड 5, तो इसका मतलब होगा कि मैं ऑर्डिनो की डिजिटल पिन 5 पर जो इनपुट आ रहा है उसको रीड करना चाहता हूँ। अब हम देखेंगे डिजिटल राइट फंक्शन के बारे में। तो डिजिटल राइट फंक्शन की हेल्प से हम ऑर्डिनो की डिजिटल पिन से हाई या फिर लो आउटपुट ले सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि डिजिटल राइट में जो W है वो हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। इसका सिंटेक्स रहता है डिजिटल राइट, और ब्रैकेट के अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ता है। दो आर्ग्यूमेंट में से पहला आर्ग्यूमेंट लिखना रहता है पिन नंबर, और दूसरा आर्ग्यूमेंट लिखना रहता है हाई या फिर लो। आप जिस पिन से आउटपुट लेना चाहते हैं वो पिन का नंबर आपको पहले लिखना पड़ेगा, और आप उस पिन से कौन सा आउटपुट लेना चाहते हैं, हाई या फिर लो, वो आपको उसके बाद में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऑर्डिनो की पिन नंबर 4 से हाई आउटपुट लेना चाहता हूँ तो मुझे इस तरह का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, डिजिटल राइट 4 हाई। तो इससे मुझे ऑर्डिनो की पिन 4 से हाई आउटपुट मिल जाएगा। और अगर मैं ऑर्डिनो की पिन नंबर 5 से लो आउटपुट लेना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट 5 लो, इससे कि मुझे पिन नंबर 5 से लो आउटपुट मिल जाएगा। अगर मुझे एक LED को ऑन करना है जो कि ऑर्डिनो की पिन नंबर 13 से कनेक्ट है, तो मैं डिजिटल राइट फंक्शन की हेल्प से उसको ऑन करा सकता हूँ। इसके लिए मैं डिजिटल राइट फंक्शन लिखूँगा और ब्रैकेट के अंदर में दो आर्ग्यूमेंट्स लिखूँगा, और इन दो आर्ग्यूमेंट्स में पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा पिन नंबर, कि मैंने LED को कौन सी पिन से कनेक्ट किया। यहाँ पर मैंने LED को पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर मैं पहला आर्ग्यूमेंट लिखूँगा 13, और इसके बाद में मुझे LED को ऑन करना है, जिसके लिए मुझे सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट हाई लिखना पड़ेगा, और हाई लिखने की वजह से LED ऑन हो जाएगा। तो इस तरह डिजिटल राइट फंक्शन की हेल्प से हम LED को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देख लिए डिजिटल रीड और डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ किस तरह किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हम ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीरीज़ के वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।